जय श्री महाकाल। मैं आचार्य रंजना और मैं उज्जैन से हूँ। बहुत से लोग पूछते हैं मैं कहाँ से हूँ। कुछ ही दिनों पहले से मैं कुछ चीज़ें नोट कर रही हूँ। इंस्टाग्राम पर बहुत सारी वीडियोस अपलोड करते हैं लोग, तो उसमें बहुत गलत गलत बातें बोल देते हैं जिससे कि लोग भ्रमित हो जाते हैं या डर जाते हैं। जैसा कि उज्जैन के राजा महाकाल हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन वहाँ से कोई बोला जाता है कि कोई घोड़े पे बैठ के नहीं निकलता है, किसी की बारात नहीं निकलती है, कोई नेता मंत्री यहाँ नहीं रुकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे नेता मंत्री सभी रुकते हैं मंदिर के पास। बारात निकलती है भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए, बारात मंदिर के बाहर रुकती है, दर्शन करके निकलते हैं, बोलते हैं बाबा पे भस्म आरती जो होती है वो किसी मुर्दे की राख से होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गाय के जो कंडे होते हैं उखले, उससे राख बनाकर उसको छानकर तो बहुत अच्छे रूप से शुद्ध तरीके से भगवान की भस्म आरती की जाती है। ये कहीं सुनी बातों पर विश्वास ना करें। और हाँ, ये बात तो सत्य है कि भगवान महाकाल के दर्शन वही कर सकता है जिसे बाबा महाकाल स्वयं बुलाते हैं। आप किसी भी कहीं सुनी बातों पे विश्वास ना करें। आप मंदिर आइए, बाबा महाकाल के दर्शन कीजिए। मंदिर के निकट ही इतने सारे धर्मशाला, आश्रम, इतने अच्छे अच्छे होटल्स और सस्ते रीजनेबल रेट पर बने हुए हैं। आप आराम से आ सकते हैं। आने के लिए आप इंदौर, अगर फ्लाइट से आते हैं इंदौर उतरिए, वहाँ से आप टैक्सी कीजिए आइए। नहीं तो आप किसी भी क्षेत्र से ट्रेन पकड़ कर आइए। रेलवे स्टेशन से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर मंदिर और आसपास सभी होटल धर्मशाला है।